कोरोना वायरस के खिलाफ एक मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च करने का प्लान कर लिया है रशिया ने इस साल अक्टूबर के महीने में। ये अनाउंसमेंट की रशिया के हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर मिखेल मुराशको ने 31 जुलाई 2020 को, तो हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि सबसे पहले इस दवा से वैक्सीनेट किया जाएगा रशिया के डॉक्टर्स और टीचर्स को, लेकिन इस दवा के बारे में इस हेल्थ मिनिस्टर ने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। और मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, रशिया का जो पहला वैक्सीन है कोरोना वायरस के खिलाफ, जो कि वहाँ की एक स्टेट रिसर्च फैसिलिटी ने डेवलप किया है, उसको एक लोकल रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने वाला है इसी साल अगस्त के महीने में। और जैसे ही अप्रूवल मिलेगा तो सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को ही एडमिनिस्टर किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इस वैक्सीन के बारे में जानेंगे, इस वैक्सीन का बैकग्राउंड भी जानेंगे, फिर हम लोग जानेंगे इस वैक्सीन से रिलेटेड क्या कंसर्न्स हैं, क्या ये गारंटीड दवाई है कोरोना वायरस के खिलाफ, और पूरी दुनिया में अभी तक कितने देश कोरोना वायरस की दवा बनाने की रेस में लगे हुए हैं। मैं शशि ठाकुर, वेलकम टू बुक हाइप एजुकेटर्स। तो सबसे पहले इस वैक्सीन के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं, जो कि रशिया के गमलिया इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया है। ये मॉस्को में लोकेटेड है और ये जो वैक्सीन है दोस्तों, ये अभी इसका सेकेंड फेज चल रहा है क्लिनिकल ट्रायल्स का, और ये सेकेंड फेज ख़त्म होने वाला है, ऐसे बताया जा रहा है। 3 अगस्त को इसका सेकेंड फेज ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद इसका थर्ड फेज शुरू होगा, और थर्ड फेज शुरू हो जाएगा 4 अगस्त से। रशिया दोस्तों इस रेस में लगा हुआ है, उसने अपने आप को टारगेट दे दिया। अगस्त 10 के पहले उसने टारगेट रखा है कि इस वैक्सीन को वो अप्रूव करवा लेगा ताकि इसको पब्लिक यूज़ कर सके, और अगर 10 अगस्त तक इस वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाता है तो सबसे पहले ये वैक्सीन जो है वहाँ के फ्रंटलाइन मेडिकल वर्कर्स को दी जाएगी, और साथ साथ इसका फेज 3 ट्रायल भी साथ साथ चलता रहेगा। अब हम जान लेते हैं इस वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड। रशिया ने दोस्तों 18 जून 2020 को ही अप्रूवल दे दिया था 2 वैक्सीन्स का ह्यूमन ट्रायल कराने के लिए, और दोनों ही वैक्सीन्स डेवलप किए थे गमलेया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने। तो पहले वैक्सीन का ट्रायल हुआ था बोर्डेनको मिलिट्री हॉस्पिटल में, और दूसरे वैक्सीन का ट्रायल हुआ था सेचेनेव फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो पहला वैक्सीन जो है दोस्तों, वो एक सॉल्यूशन के फॉर्म में है ताकि एक इंट्रा मस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके उसका, यानी दोस्तों इंजेक्शन के फॉर्म में है, और जो दूसरा वैक्सीन है वो एक पाउडर के फॉर्म में है, जिस पाउडर से एक सॉल्यूशन बनाया जाएगा और फिर उसको इंट्रा मस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, यानी फिर उसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। पहला वैक्सीन सॉल्यूशन के फॉर्म में है, दूसरा वैक्सीन एक पाउडर के फॉर्म में है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दोस्तों अभी तक कुल मिला के ऐसे 21 वैक्सीन हैं पूरी दुनिया में जिनका ह्यूमन ट्रायल्स चल रहा है। इंडिया ने भी दोस्तों क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है, इंडिया के 2 पोटेंशियल वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं। पहला दोस्तों भारत बायोटेक और आईसीएमआर, ये दोनों मिल के बना रहे हैं, कोवैक्सीन बना रहे हैं, और दूसरा जो इंडिया का वैक्सीन का जिसका ट्रायल चल रहा है उसका नाम है जाइकोवुडी, इसको बना रहे हैं जाइडस कैडिला। इंडिया में दोस्तों ह्यूमन ट्रायल वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था पिछले महीने ही 7 जुलाई से। अब हम इस वैक्सीन से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स जान लेते हैं, कुछ चिंताजनक बातें जान लेते हैं दोस्तों। जो भी रिपोर्ट्स आई हैं इस द वैक्सीन से रिलेटेड, किसी भी रिपोर्ट ने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि क्या इसके 3ों स्टेजेस कंप्लीट हो गए हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के, या फिर अभी तक इसका सिर्फ स्टेज 2 ट्रायल ही कंप्लीट हुआ है। दोस्तों जुलाई के सेकेंड वीक में इस वैक्सीन का फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ था 13 जुलाई से। दोस्तों आप देख सकते हैं ये क्लिनिकल ट्रायल के फेजेस हैं। प्री क्लिनिकल स्टेज होता है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3, ये अलग अलग स्टेजेस होते हैं जिसका टाइम ड्यूरेशन भी अलग अलग होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम लगता है, इसीलिए कोई भी कंट्री ये नहीं कह रही है कि इस साल के पहले पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन आएगी, लेकिन रशिया दावा कर रहा है कि वो वैक्सीन इसी महीने में निकालेगा, इसीलिए इस उसके दावे पर क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है, क्योंकि जो फेज 2
ट्रायल था होता है दोस्तों, उसमें जो वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है ताकि वो ह्यूमन बीइंग्स की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा रही है नहीं इस बीमारी से लड़ने के लिए। और फेज टू के ट्रायल में दोस्तों कंप्लीट होने में कुछ हफ्ते से लेके कुछ महीने भी लग सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की इमरजेंसी की वजह से पूरी दुनिया भर में जो वैक्सीन डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। और रशिया दोस्तों जिस स्पीड से वैक्सीन को डेवलप कर रहा है वो दावे कर रहा है, इसीलिए उसके दावे पर सब लोग क्वेश्चन मार्क्स उठा रहे हैं पूरी दुनिया में। और ये ऐसा कहा जा रहा है कि रशिया की वैक्सीन को बिना फेज थ्री ट्रायल्स के ही अप्रूवल दे दिया जाएगा। फेज थ्री ट्रायल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें दोस्तों जो वैक्सीन होती है उसको रियल लाइफ सिचुएशंस में टेस्ट किया जाता है कि क्या ये लोगों को प्रोटेक्ट कर पा रहा है जिस डिसीज से बचने के लिए बनाया गया है इस वैक्सीन को। फेज थ्री ट्रायल्स में दोस्तों अराउंड हज़ारों लोगों पर ये ट्रायल किया जाता है, और इसमें कुछ महीने से लेकर दोस्तों कुछ साल भी लग जाते हैं। और जो पिछले कुछ रिपोर्ट्स आई हैं रशिया की तरफ से, उसके द्वारा ये इंडिकेशन मिल रहा है कि ये वैक्सीन दोस्तों लोगों के यूज़ के लिए भी दे दी जाएगी, और साथ साथ जो फेज थ्री ट्रायल्स हैं वो भी जारी रहेगा। अब हम देखते हैं दोस्तों कि क्या गारंटी है कि इस वैक्सीन को अप्रूवल मिल ही जाएगा। दोस्तों ट्रायल्स के कंप्लीट होने से कोई भी गारंटी नहीं है कि किसी वैक्सीन को रेगुलेटर्स का अप्रूवल मिल जाएगा ताकि उस वैक्सीन को पब्लिक यूज़ के लिए दे दिया जाए। ह्यूमन ट्रायल से जो भी डेटा जनरेट होता है उसको काफ़ी डिटेल में असेस किया जाता है, और अधिकतर मामलों में मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों रेगुलेटर हैं वो कन्विंस नहीं हो पाते ह्यूमन ट्रायल्स के डेटा पे, और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं दोस्तों वो बहुत ही कम वैक्सीन्स को अप्रूवल देते हैं। वैक्सीन्स का अप्रूवल रेट बहुत कम है दुनिया भर में। जितनी भी वैक्सीन्स डेवलप होती हैं उसमें से आप समझ लीजिए कि कौड़ी भर वैक्सीन्स ही अप्रूव हो पाती हैं। बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसीजर होता है इसका। और रशिया का जो कोरोना वायरस वैक्सीन का केस है तो वो इस अंदाजे से रशिया दावे ठोक रहा है कि मानो उसको तो अप्रूवल मिलने ही वाला है, और इन्हीं कारणों की वजह से पूरी दुनिया जो है वो रशिया के वैक्सीन पर क्वेश्चन मार्क उठा रही है, क्रिटिसिज्म हो रहा है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आपने जो प्रॉपर प्रोसेसेस हैं उसको कंडक्ट किया है, कंप्लीट किया है, या उसको कंप्लीट किए बिना ही आप इस वैक्सीन को पब्लिक यूज़ के लिए उतार देंगे मार्केट में। चाइना में भी दोस्तों एक वैक्सीन डेवलप की गई है और उसको यूज़ के लिए भी दे दिया गया है, लेकिन उसका एक लिमिटेड यूज़ किया जा रहा है, और सिर्फ अभी तक वहाँ की जो वैक्सीन है उसका सिर्फ फेज टू ट्रायल ही हुआ है, यानी अभी तक उसका फेज थ्री ट्रायल भी बचा है, लेकिन फेज टू ट्रायल के बाद ही उसको यूज़ करने के लिए दे दिया गया है, लेकिन लिमिटेड यूज़ के लिए दिया गया है। इसको यूज़ किया जा रहा है वहाँ के जो मिलिट्री पर्सनल है यानी मिलिट्री का जो स्टाफ है उनको दिया जा रहा है इस वैक्सीन को टेम्पररी बेसिस के लिए। और चाइना में दोस्तों अभी अराउंड 7 ऐसे वैक्सीन्स हैं जिनका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है ह्यूमंस पे। दोस्तों पूरी दुनिया की कंट्रीज एक रेस में लगी हुई हैं कि कौन सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अभी पूरी दुनिया भर में कितनी वैक्सीन्स बन रही हैं कोरोना वायरस के खिलाफ, उसकी हम लोग एक स्टोरी देख लेती, कहानी क्या एग्जैक्टली। तो कुल मिलाकर दोस्तों 160 से भी ज़्यादा वैक्सीन्स बन रही हैं पूरी दुनिया में, जो कि अलग अलग स्टेजेस में है। कोई प्री क्लिनिकल स्टेज में है, कोई क्लिनिकल ट्रायल के स्टेज में है। तो 160 में से दोस्तों सिर्फ 23 ऐसी वैक्सीन्स हैं जो कि क्लिनिकल ट्रायल के स्टेज में हैं, और उन 23 वैक्सीन्स में से भी सिर्फ 6 ऐसी वैक्सीन्स हैं जो फाइनल स्टेज में है, यानी कि जो फेज थ्री स्टेज होता है, ऐसे सिर्फ 6 ही वैक्सीन्स हैं जो फाइनल स्टेज में है जिनका ट्रायल चल रहा है। इंडिया में 8 वैक्सीन्स का
ट्रायल चल रहा है, डेवलप हो रही हैं। उनमें से सिर्फ दो वैक्सीन्स वो ह्यूमन ट्रायल्स के फेज़ में हैं। इंडिया की दोनों वैक्सीन्स अभी फेज़ वन ट्रायल में हैं। ये सारा जो भी डेटा आपको बताया जा रहा है, ये 31 जुलाई 2020 को WHO कोरोना वायरस वैक्सीन लैंडस्केप पे अपडेट किया गया है। तो हम तो यही आशा करेंगे कि बहुत जल्दी इसकी वैक्सीन डेवलप हो जाए ताकि ये पेंडेमिक ख़त्म हो और वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे फोकस कर सके। ये था आज का इशू। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए इशू के साथ में। थैंक यू वेरी मच।